अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी। ये 2-in-1 है, यानी जिनको बिरयानी पसंद है उनके लिए बिरयानी और जिनको टिक्का पसंद है उनके लिए टिक्का। हमने इसमें 2 मुर्गियाँ ली हैं और इसको इस तरह हमने इन मुर्गियों पे कर्ट्स लगा दिए हैं। कर्ट्स आप बाज़ार से भी लगवा सकते हैं और ख़ुद भी लगा सकते हैं। चलो मैरिनेट करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। नमक को बहुत अच्छी तरह टिक्कों पर रब करें ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह चला जाए। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हमारा 4 खाने का चमचे हैं। अदरक लहसुन को भी हम अच्छी तरह से चिकन के आगे पीछे करके लगाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो मज़ा है वो अंदर चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चें। लाल मिर्चें मैंने इसमें 3 चमचे ली हैं, क्योंकि मुझे तेज़ पसंद है तो मैंने 3 चमचे ली हैं। जिसको हल्की पसंद है वो थोड़ा अपनी मर्ज़ी से मिर्चें ऐड कर ले। इसको भी हम इसी तरह लगाएंगे बहुत अच्छी तरह। मुर्गी को अच्छी तरह से आप लाल मिर्चें लगाएं। देखें मुर्गी बिल्कुल लाल हो गई है, बिल्कुल जल रही है लाल होकर। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें। काली मिर्चें भी मैंने 2 चमचे ली हैं। उसमें को भी वैसे ही लगाएंगे। मुर्गी को अच्छी तरह से आप रब करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला सिर्फ हम 1 खाने का चमचा लेंगे। गरम मसाला गरम होता है और ज़्यादातर लोगों को गरम मसाले से मुश्किल होती है, उनका सीना जलता है और उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चमचे टिक्का मसाला। टिक्का मसाला हम सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कलर होता है वो हमारे टिक्कों में नहीं आता, क्योंकि इसमें फूड कलर मिला हुआ होता है तो वो अच्छा सा रंग दे देता है टिक्कों को। तो बस हमने इसलिए टिक्का का फ्लेवर डाला है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन। लेमन से अच्छी खटास आ जाती है और टिक्का बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसको हमने 2 बड़े या 3 बड़े लेमन लिए हैं। आप उसको मतलब 2 खाने के चमचे बनने चाहिए। छोटे लेमन है तो अंदाज़ा लगा लेंगे 2 खाने के चमचे में कितने लेमन आएंगे। बड़े हैं तो सही, 2 में काफ़ी हो जाएगा। अब जिन लोगों को इसको, क्योंकि टिक्का मसाला सबसे ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट जब देता है जब आप इसको मैरिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रखें। अगर आप इसको होल नाइट मैरिनेट करेंगे तो ज़बरदस्त बनेगा। तो अगर आप होल नाइट करें तो बस इसी प्रोसेस में आप जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैरिनेट कर दें। लेकिन चूंकि अब हमको जो है 1 घंटे के अंदर जो है ये बिरयानी को बनाना है तो हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। बाकी लोग जिनको रात को रखना है बस वो फ्रीज़र में रखें और बस सुबह जब बनाने लगे जब दही ऐड करें। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमने 1/2 किलो लिया है। दही भी बहुत अच्छी तरह से आप उसको रब करें और उसको मैरिनेट करें, क्योंकि ये बिरयानी जो है ये बहुत मज़ेदार बनती है। टिक्का बिरयानी बहुत कम लोगों ने बनाई होगी, अगर किसी ने बनाई होगी तो। वैसे तो ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे दोस्तें वगैरह अक्सर फरमाइश करती हैं, जब आती हैं कहती हैं टिक्का बिरयानी खानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भी सिखाऊं कि घर में जब कोई दावत हो तो आपके लिए ये बिल्कुल यूनिक बिरयानी हो जाएगी। नॉर्मल बिरयानी तो अक्सर बनती ही रहती है तो ये थोड़ी डिफरेंट बिरयानी हो जाएगी। और जिनको बिरयानी नहीं पसंद वो उसमें से टिक्का निकाल के खा लें, और जिनको दोनों पसंद है उनके तो मज़े ही मज़े हैं। तो आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट करें चिकन को, बिल्कुल अच्छी तरह के दही की जो दही जो है वो उसमें अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और जो बेचारी मुर्गी लाल हो गई थी अब थोड़ी थोड़ी सफ़ेद हो जाए। ये देखें अब ये कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर मैं ऑयल मिलाऊंगी, क्योंकि ऑयल मिलाने से क्या होता है मैरिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि ऑयल जो है वो सारे मसालों को यकजा कर देता है और अंदर तक घुसा देता है। तो इस तरह आपकी मुर्गी जो है उसमें मसाले अंदर तक चले जाएंगे और बेचारी मुर्गी अंदर तक जलेगी। अब इस तरह आप इसको मिक्स कर दें। हाथ बहुत जलेंगे आपके, तो इस बेहतर है कि पहले मसाले लगाने से पहले या तो ऑयल लगा लें, या मसाले लगाने के बाद आप अपने हाथों को खीरे से साफ कर लें। अब हम जो है प्याज फ्राई करेंगे, जो कि हमारे चावल की लेयर्स में डालेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि पहले प्याज तल के एक साइड पे हो जाए, क्योंकि प्याज काटना और तलना बहुत मुश्किल काम है। एक तो आँखें भी जलती हैं और हाथ भी थक जाते हैं। तो अब हम इसको प्याज फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें प्याज जो है वो 6 से 8 डली है बड़ी वाली। तो फिर आप सोचें कितनी कटिंग होगी, कितने आंसू बहेंगे। अब हमारी ये देखें प्याज जैसी हल्की हल्की गोल्डन होने लगे आप निकाल लें, क्योंकि प्याज का क्या होता है जब ये निकल जाती है तो ये उसके बाद भी गर्म रहती है तो ये अपना कलर पकड़ती है। तो हम जैसी हल्का गोल्डन होगा तो हम ये प्याज निकाल लेंगे।
अब हम इसमें वो जो हमारे पास प्याज का ऑयल बचा था वो डालेंगे। जब ये प्याज का ऑयल गरम हो जाएगा तो हम अपने मासूम से टिक्कों को इन खौलते हुए तेल में डाल के पकाएंगे। ये देखें हम एक एक करके उसमें डालेंगे। अब ये देखें कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं मेरे मासूम मासूम से टिक्के। इस तरह आप सारे टिक्के डाल दें, क्योंकि अब कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मासूम चीज़ को भी खाना ही पड़ता है। अब इसके अंदर आप पूरा मसाला डाल दें अच्छी तरह, क्योंकि ये मसाला ही है जो आपकी बिरयानी में डलेगा। इसके अलावा हम कोई और चीज़ नहीं डालते इसमें, ये मसाले से ही इस बिरयानी को हमने बनाना है। ये देखें सारी मुर्गियाँ बेचारियाँ इसमें डल चुकी हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन हटा के देखेंगे कि हमारी मुर्गी जो है वो गली है कि नहीं, क्योंकि मुर्गी जो है वो पानी छोड़ती है। जाहिर सी बात है आप चूल्हे पे रख देंगे तो उसे कितना पसीना आएगा, गर्मी से तो हर एक कोई पसीना आता है। अभी देखें इसने कितना पानी छोड़ा है, और मुर्गी जो है अभी हल्की हल्की हाफ डन तो हो चुकी है। अब हम पानी को सुखाएंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। अब हमने 15 मिनट के बाद जो है ये ढक्कन हटा के दोबारा देखेंगे। अब देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हमारा मसाला जो है वो पक रहा है, क्योंकि पानी सूख रहा है और मसाला पक रहा है। और देखिए मुर्गी का जो है वो जल के बेचारी लाल लाल भी हो रही है, बेचारी मासूम सी मुर्गी मेरी। ये देखें अब ये हो गई, अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम रोटी रख के, ये जो हमने कोयला रखा था बताएं, अब इसको कोयले से भी जलाएंगे बेचारी मासूम को हम, क्योंकि मज़ा कोयले का ही आता है। क्योंकि टिक्के में अगर कोयला ना डले तो मज़ा ही नहीं। अब इसके फ़ौरन बाद आप इसको ढक दें ऑयल डाल के। अब 5 से 7 मिनट तक आप इसको ढके रहें। अब इसके बाद आप इसको, इस कोयले को बेचारी की पीठ पर से हटा दें ताकि वो रिलैक्स हो जाए थोड़ी सी। हाँ, रोटी हटा लें। अब हम टिक्के को मसाले से अलग कर देंगे और उसके बाद हम फौरन अपने सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे, यानी कि चावल बनाने पर आ जाएंगे। चावल में आप पानी आधा भगोना लें, उसमें नमक डालें। नमक 3 खाने के चमचे काफ़ी हैं। फिर इसमें हम स्याह ज़ीरा डालेंगे, स्याह ज़ीरा हमने 1 खाने का चमचा लिया है। फिर इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे 5 से 6। फिर हम इसमें लौंग डालेंगे 3-4, मोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात। फिर हम इसको ढक देंगे। अब ढक्कन हटाएंगे जब पानी बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। इसमें पूरे चावल डाल दें। अब बेचारे चावलों के उबलने की बारी है। हाँ, ये देखें ये इस तरह हो जाएंगे। चावलों को हिलाइए अच्छी तरह। अब इसको ढक दें, ढक्कन हटाएं, क्योंकि मैं सिरका डालना भूल गई थी। अब हम 1 चमचा खाने का सिरका डालेंगे। अब हम ढक्कन रख देंगे, क्योंकि इंसान है कुछ भी भूल जाता है। अब आप देखें कि चावल जो हैं होने वाले हैं। अब ये देखें चावल किस तरह हो रहे हैं। अब हम चावल निथा लेंगे। चावल का भगोना जो है वो थोड़ा भारी होता है, तो जिसमें जान हो वही उठाए, क्योंकि गर्म पानी होता है, खुदा ना खास्ता गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारी बिरयानी खुद की पक जाएगी। अब ऑयल लें, फ्राई पैन में डालें, ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप टिक्कों को, बेचारों को फिर से फ्राई करें। जब हल्के हल्के रेड हो जाएं तो आप इसको निकाल लें। अब हम चावलों की लेयर्स लगाएंगे। अब हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे, ऑयल हमारा वही रिमेनिंग है, क्योंकि ऑयल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम चावल की लेयर डालेंगे। चावल को नीचे अच्छी तरह बेस में फैला लें, कोने कोने में। अच्छा, जिन लोगों को गरम मसाला नहीं पसंद आता कि मुंह में आएगा, तो आप जब चावल निथारते हैं तो उसी वक्त आप उसको गरम मसाला जो ऊपर ऊपर आ जाता है आप वो निकाल सकते हैं। हरी मिर्चें रहने दें, हरी मिर्चें तो मसाले छोड़ चुकी होती है, लेकिन गरम मसाला आप निकाल लें, क्योंकि बाज़ लोगों को पसंद नहीं आता कि मुंह में आ रहा है, टेस्ट ख़राब कर रहा है। अब इसके अंदर हम अपने, मैंने जो आपको मसाला दिखाया था, जो टिक्कों का बचा हुआ था मसाला, हम वो मसाला डालेंगे।
मसाले की पहचान ये है कि जब ऑयल ऊपर आ जाए और पानी उसका ड्राई हो जाए ना, तो समझ जाए आपका मसाला जो है तैयार है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, ब्राउन कलर की प्याज। इसमें कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है, नीचे वाइट ऊपर ब्राउन। उसके ऊपर अब हम पुदीना डालेंगे ग्रीन, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है और दिखने में भी कितनी प्यारी लग रही है और खाने में तो वाकई में बहुत मज़ेदार है। जिसने नहीं बनाई वो एक बेहतरीन डिश से महरूम हो जाएगा। अब इसमें आप हरी मिर्ची डाल दें, क्योंकि मेरे ख़ानदान में, मेरे मोहल्ले में हर कोई इसकी फरमाइश करता है। बहुत मज़े की डिश है। इसमें फिर आप लेमन डालें। थोड़ा प्रोसेस है, हर बिरयानी में थोड़ा सा प्रोसेस होता है लंबा, क्योंकि बिरयानी इतनी आसानी से बनती नहीं है, बहुत थोड़ा प्रोसेस लेती है लंबा। अब इसमें फिर हम जर्दे का रंग डालेंगे। बिरयानी की मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, मैं आपको किसी दिन हैदराबादी बिरयानी, कच्ची यखनी की जो बिरयानी होती है वो सिखाऊंगी। मेरे पास अफ्रीकन बिरयानी की रेसिपी है, मेरे पास सिंधी बिरयानी की बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। अब इसके अंदर फिर हम सेकंड लेयर पर आ जाएंगे, तो एक वीक हम अपना बिरयानी का भी रखेंगे, क्योंकि 90% लोगों को बिरयानी बहुत पसंद होती है और कराची की बिरयानी की तो बात ही नहीं है। अब आप अच्छी तरह सेकंड लेयर बिछाएं, चावलों को अच्छी तरह फैला लें। सही से बिल्कुल चारों तरफ की जगह ना रहे। बिल्कुल सही से चावल फैल गए। अब इसके अंदर फिर से हम अपना मसाला डालेंगे। मसाला भी अच्छी तरह डालें ताकि मिक्सिंग में आपको मुश्किल ना हो, मतलब एक साइड पे मसाला ना रहे। अब फिर इसके अंदर प्याज डलेगी, प्याज भी अच्छी तरह चारों तरफ फैला दें। अब इसके अंदर पुदीना डलेगा। लो, ये तो हरा धनिया निकला, हरा धनिया डलेगा। पुदीने आया, अब पुदीना फैला दें अच्छी तरह। अब फिर हमारी लेमन की बारी आई, अब लेमन डालें। अब जर्दे का रंग ताकि हर लेयर में सही से पहुंच जाए, देखा जाए तो कितने बेहतरीन कलर्स लग रहे हैं। अब इसमें जो बाकी चावल थे वो आप सारे इसमें डाल दें। ये देखें डल गए सारे चावल। अब हम इसमें फिर मसाला डालेंगे। अच्छी तरह मसाला डाल दें। अब इसमें आप पूरा मसाला सही से पोंछ के डाल दें, क्योंकि मसाला ही है जो आपकी बिरयानी को फ्लेवर देगा। अब प्याज छिड़कें, थोड़ी सी प्याज ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखिएगा निकालने की, और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना भी, हरा धनिया डाल दें। हरी मिर्चें इस तरह काटें कि हर लेयर में ये बराबर क्वांटिटी इनकी जो है सेम रहे। अब ये लेमन का जूस सही से सीड्स मत डालिएगा, क्योंकि किसी के मुंह में आए तो बिलावजह का मज़ा ख़राब हो जाएगा और फिर सारा इल्ज़ाम बेचारे सीट पर आ जाएगा। अब इसमें फिर आप कलर ऐड कर दें।
अच्छी तरीके से। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है बिरयानी मेरी। अब इसको आप ढक दें। अब आप ढक्कन खोल के देखें कि चावल 15 मिनट हो चुके हैं, अब चावल तैयार हो चुके होंगे। ये देखें चावल बिल्कुल खुला खुला है और बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके निकाल लें और उसके ऊपर अब आप टिक्के सेट कर दें। आपकी टिक्का बिरयानी तैयार है। रायते के साथ सर्व करें। मज़ेदार टिक्का बिरयानी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। शुक्रिया।